सैकड़ों पुलिस वालों के बीच में हथकड़ी हाथ में, उसके बाद शेर ने दहाड़ा कि नहीं दहाड़ा। हमारे बिहार के नेता दोषी है, बिहार के बर्बाद। बिहार सरकार को खतरा किससे है? मनीष कश्यप से है। बिहार के नेताओं को खतरा किससे है? मनीष कश्यप से है। बिहार के भ्रष्टाचारी जो अधिकारी है उसको खतरा किससे है? मनीष कश्यप से है। इसलिए मनीष कश्यप के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगाया जा रहा है। मनीष कश्यप देशद्रोही है। मनीष कश्यप नहीं बोल सकता देशद्रोही। बिहार की जनता से कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिएगा, अगर मनीष कश्यप देशद्रोही है तो आप लिखिए मनीष कश्यप देशद्रोही है। अगर मनीष कश्यप देशद्रोही, नारा चोर कौन कहता है? हम नहीं कहते हैं, माननीय न्यायालय के द्वारा प्रूफ कर दिया गया है, सजा काट के आए हैं। मनीष कश्यप को अभी कोर्ट सजा नहीं सुनाया है, लेकिन लालू यादव को ना कोर्ट सजा सुना दिया। मनीष कश्यप का आप 34 लाख 42 लाख का हिसाब खोज रहे हैं। मनीष कश्यप के अकाउंट पे 42 लाख रुपया पकड़ा गया है। मनीष कश्यप निर्दोष है। मनीष कश्यप पर से जो NSA है उसको हटाया जाए, मनीष कश्यप को बिहार लाया जाए और केंद्र सरकार के पास वह पावर होती है कि वह NSA को हटवा सकती है। जब यह कानून बना था 1980 में, इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय इस कानून को लागू किया गया था। उसमें राज्य की जो सरकार होती है उसको इतना पावर दे दिया गया कि आप भी, अगर पुलिस को लगेगा कि आप देश के लिए खतरा है तो आपके ऊपर भी NSA लगा देगा। तो इसको हटवाने का काम केंद्र सरकार कर सकती है। और भाजपा के लीडर, आप लोगों से मैं भी कहना चाहता हूं, या आप लोग बोलते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी न्याय दिलाने वाली पार्टी है, कहाँ गई भारतीय जनता पार्टी? कहाँ न्याय दिलवा रही है? एक मनीष कश्यप जो बिहार से तमिलनाडु के जेल में जा करके दीवाल का ईटा गिन रहे हैं और आप लोग जश्न मना रहे हैं, आप लोग वोट की राजनीति करते हैं, और आप लोग में अगर थोड़ा भी शर्म बचा है तो मनीष कश्यप के लिए आवाज उठाइए, नहीं तो समझा जाएगा कि आप भी भ्रष्टाचारी है। जैसे RJD के लोग भ्रष्टाचारी है, तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी है, आप भी भ्रष्टाचारी है। आप तेजस्वी यादव कैसे आरोप लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचारी है? बिल्कुल, अरे भाई आपको पता नहीं है उनका बाबूजी क्या किए थे? सजा मिला हुआ है। चारा चोर कौन कहता है? हम नहीं कहते हैं, माननीय न्यायालय के द्वारा प्रूफ कर दिया गया है, सजा काट के आए हैं। मनीष कश्यप को अभी कोर्ट सजा नहीं सुनाया है, लेकिन लालू यादव को ना कोर्ट सजा सुना दिया है, इसलिए बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी है। और लैंड फॉर जॉब अभी सुने थे ना, 600 करोड़ नौकरी के बदला जमीन, इस मैटर में CBI जांच कर रहा है ना, तो भ्रष्टाचारी कौन है? मनीष कश्यप का आप 34 लाख 42 लाख का हिसाब खोज रहे हैं। मनीष कश्यप के अकाउंट पे 42 लाख रुपया पकड़ा गया है, अकाउंट पे, जबकि बैंक में हुआ पैसा, और आपके यहाँ 600 करोड़ वो कहाँ गया? घर में पकड़ाया था, वो कहाँ से आया? इसका जवाब दीजिएगा, है जवाब। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, सच तक के अलावा 6 चैनल है, सब मिलियन में क्रॉस करता है। मनीष कश्यप के लिए 42 लाख कोई बड़ा बात नहीं है, और उस 42 लाख जो जितना वो कमाते हैं उसका 25% डोनेट भी कर देते हैं। उन्हीं का नाम मनीष कश्यप है, जो बिहार सरकार के सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर लगवाता है, उन्हीं का नाम मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप बोले भी थे और बताए भी, सबूत भी दिए थे कि पर मंथ हम काट छाट के 10 लाख रुपया कमा लेते हैं यूट्यूब से, ये सबूत भी दिए थे वो अपने वीडियो के माध्यम से। आप जान रहे हैं ना कि 2020 से वह काम कर रहे हैं, 2023 में उनकी अरेस्टिंग होती है, 3 साल में उन्होंने कितना रुपया कमाया होगा। वह ब्रांडिंग करते हैं, आप मीडिया से हैं, आपका भी एक आशा रहता है कि हमें भी कोई ब्रांडिंग करवाए, हम भी किसी का प्रचार करें ताकि एक्स्ट्रा इनकम आए। पटना के बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान होते हैं वो मनीष कश्यप से ब्रांडिंग करवाते हैं, इस पर भी विवाद हुआ, इस पर भी FIR हुआ कि पोस्टर लगा दिए मनीष कश्यप। नेता पोस्टर लगाए तो ठीक, एक पत्रकार पोस्टर लगा दिया था, गलत। मनीष कश्यप देशद्रोही है। मनीष कश्यप नहीं बोल सकता देशद्रोही है। आप, हम बिहार की जनता से कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिएगा, अगर मनीष कश्यप देशद्रोही है तो आप लिखिए मनीष कश्यप देशद्रोही है। अगर मनीष कश्यप देशद्रोही नहीं है तो मनीष कश्यप को खतरा किससे है? बिहार सरकार को खतरा किससे है? मनीष कश्यप से है। बिहार के नेताओं को खतरा किससे है? मनीष कश्यप से है। बिहार के भ्रष्टाचारी जो अधिकारी है उसको खतरा किससे है? मनीष कश्यप से है। इसलिए मनीष कश्यप के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगाया जा रहा है। मनीष कश्यप को आप सिर्फ परेशान कर सकते हैं, झुका नहीं सकते हैं। और देखे ना, जब शेरवा बाहर निकला एयरपोर्ट पे दहाड़ दिया, सैकड़ों पुलिस वालों के बीच में हथकड़ी हाथ में, उसके बाद शेर ने दहाड़ा कि नहीं दहाड़ा भाई।